में एक प्रॉब्लम था जो हमारा ये हॉरिजेंटल सप्लाई जाता है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल सप्लाई जा रहा है, तो ये और ये हमारा हॉरिजेंटल हो गया और ये दोनों हमारा वर्टिकल सप्लाई हो गया। वर्टिकल सप्लाई का जो कनेक्टर थिम्बल लगा हुआ था सर, आप वो बताइए जहाँ 110 और 25 वोल्ट कभी बनता है कभी नहीं बनता है। 110 तो बनता है, 25 वोल्ट वर्टिकल लेन में जा रहा है ना, वो कभी नहीं बनता है कभी बनता है, वो उसका क्या सोल्यूशन है सर ये बताइए आप। समझ गए सर, 110 बनता है वोल्टेज पूरे पूरा, पर वर्टिकल लेन पे जा रहा है ना 25 वोल्ट, वो कभी कभी बनता है कभी नहीं बनता है, वो दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत है आप मुझे बताइए। सर मैं समझ गया सर आपकी बात, पर ऐसा होता है कभी 25 वोल्ट आ जाता है कभी नहीं आता है, आधे घंटे टीवी चलता है तो चलता जाता है, पची बाद में डरप हो जाता है, उसका क्या सोल्यूशन है, कभी वोल्टेज बन जाता है कभी नहीं बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी मित्रों का एमके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आपने अभी एक हमारे व्हाट्सएप दोस्त हैं उनका आपने मैसेज सुन लिया है जो इन्होंने ऑडियो क्लिप हमें भेजा था, और जो इनका प्रॉब्लम है वो आपने बखूबी जान लिया है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम में जो कई बिगनर्स हैं जो फंस जाते हैं और जिनको कि यानी कि थ्योरी का जानकारी नहीं है या कम है, तो आइए मैं इसका थ्योरी का जो है कुछ जानकारी देता हूँ। इस प्रॉब्लम में आपको क्या क्या सोल्यूशन करना है और कौन कौन से स्पेयर पार्ट्स पे ध्यान देना है। हालांकि इनका जो है प्रॉब्लम, इसमें स्पेयर पार्ट्स भी खराब होता है और कभी कभी क्या होता है स्पेयर पार्ट्स आपका ठीक भी होता है। तो अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो इनका कहना है, जो हमारा वर्टिकल एसी है, ये वर्टिकल एसी पे जो 25 वोल्ट हमारा 24.5 वोल्ट हमारा पहुंच रहा है, वो हमें कभी तो पहुंच रहा है कभी जो है ड्रॉप कर रहा है, यानी कि 3 वोल्ट या 4 वोल्ट जो है आता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं कि जो ये ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर से जो आउट किया हुआ है 4 रेक्टिफायर, तो ये ऊपर वाला सबसे पहला है, ये हमारा 110 वोल्ट के लिए ESD पे जाता है, दूसरा हमारा 25 वोल्ट के लिए जो है वर्टिकल एसी के लिए, और 8 वोल्ट 5 वोल्ट के लिए भी जाता है। तो दोस्तों दूसरा जो हमारा है ये जाता है 25 वोल्ट के लिए आपका वर्टिकल एसी पे, और 8.3 वोल्ट के लिए हमारे जो ये 8 वोल्ट ट्रांजिस्टर होता है इसके ऊपर। तो उसके बाद जो हमारा वर्टिकल एसी पे जा रहा है, ये हमारा एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, ये 470 UF 35 वोल्ट का है, ये आप देख सकते हैं 470 UF 35 वोल्ट, और एक दूसरा यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे कभी कभी आपको 1000 UF जो है 35 वोल्ट भी मिलेगा, लेकिन इसमें लगा हुआ है 470 UF 35 वोल्ट। तो आप देख लें कि आपका कौन सा लगा हुआ है, मैं किट को पलटी करके भी बताऊंगा, लेकिन अभी पहले फ्रंट साइड का जो है दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे एक ये कैपेसिटर से जब ये रेक्टिफायर से जब आगे जाता है, ये यहाँ पे 207 नंबर का जो है रेक्टिफायर लगा हुआ है, और यहाँ से ये कैपेसिटर पे आया, कैपेसिटर से यहाँ 1 ओम्स रेजिस्टेंस पे आया, और रेजिस्टेंस से होकर के ये इस कैपेसिटर पे आया, जहाँ की आपको दो तरह का कैपेसिटर देखने को मिलेगा, एक 1000 UF का और एक 470 UF का। तो इसमें 470 UF लगा है, आपके किट में हो सकता है जो 1000 UF का लगा हो। तो दोस्तों अगर ये दोनों कैपेसिटर आपका जो है वीक है, कमजोर है, तो भी आपका इस तरह से प्रॉब्लम आएगा, कभी फिल्टर करेगा कभी फिल्टर नहीं करेगा। दूसरा कि यहाँ पे जो रेक्टिफायर है, वो रेक्टिफायर से जो है हमारा वर्टिकल एसी पे पॉजिटिव सप्लाई पहुंचता है। तो मैं आपको दिखाता हूं, ये अब आप देख सकते हैं यहां से जो है हमारा ये ESD पे 110 वोल्ट गया, और दूसरा जो रेक्टिफायर है ये यहां पे हमारा आया, जो हमारा वर्टिकल एसी पे ये यहां से निकल के और ऐसे करके यहाँ पे आया, और यहीं पे एक हमारा रेक्टिफायर दिया हुआ है, जिस रेक्टिफायर के द्वारा इस पिन पे तो हमारा 25 वोल्ट पहुँचता है और इस पिन पे जो है 24.5 वोल्ट के आसपास पहुँचता है, ये रेक्टिफायर के द्वारा यहाँ से रेक्टिफायर दिया हुआ है जो, तो इन दोनों पिन पे हमारा वर्टिकल सप्लाई पहुँचता है। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि अब ये तो हमारा वर्टिकल सप्लाई हो गया, और वर्टिकल सप्लाई से पहले
इधर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक हमारा ये यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है। ये जो रजिस्टर है ये हमारा है 3.3 के ओम्स का। ये रजिस्टर हमारा जो है ये 8 वोल्ट ट्रांजिस्टर के बेस पिन पे आता है। बेस पिन पे 8.3 वोल्ट जो है, इधर से ये हमारा यहाँ 25 वोल्ट आया और ये रेजिस्टेंस जो है 3.3 के ओम्स का लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा 8.3 वोल्ट यहाँ पे पहुंच गया। तो आप कहते हैं कि टीवी बंद हो जाता है, टीवी बंद होने का रीजन ये भी हो सकता है, जो ये 8 वोल्ट ट्रांजिस्टर है ये 5 वोल्ट ट्रांजिस्टर है, अगर आपका जो है इन दोनों का पिन कभी कभी क्या होता है, जो इसमें आप देख सकते हैं ये इसमें सपोर्ट नहीं है, ये सपोर्ट नहीं है, तो सपोर्ट के वजह से जो है इसमें कभी लूज कॉन्टेक्ट आ जाए या फिर इसका जो है आपका जो सोल्डिंग है वो सूख जाए, तो इस तरह का प्रॉब्लम कई बार देखने को मिला है, जो टीवी बंद हो जाएगा। जो आप कह रहे हैं कि आपका वर्टिकल एसी पे 3.3 वोल्ट मिल रहा है, तो क्या पता आपका जो है इस पिन पे 3.3 वोल्ट मिल रहा है या इस पॉइंट पे जो है 3.3 वोल्ट मिल रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे मिलना चाहिए 25 वोल्ट 24 वोल्ट, तो अगर इस पिन पे आपको 3 वोल्ट मिल रहा है तो आप ये जो रेक्टिफायर है यहाँ पे, इस रेक्टिफायर का लूज कॉन्टेक्ट चेक करें, यहाँ पे ये सोल्डिंग सूख गया रहता है कभी कभी, तो जिस वजह से कभी तो आपको इस पिन पे जो है 25 24 वोल्ट मिल भी जाएगा और कभी नहीं भी मिलेगा। अगर आपको दोनों में से किसी पे भी नहीं मिल रहा है, सप्लाई कभी ड्रॉप कर रहा है कभी आ रहा है, तो आपको क्या करना है, ये जो कैपेसिटर है इसको पहले देख लेना है चेंज करके, और इस कैपेसिटर को देख लेना है चेंज करके, जो यहाँ पे मैंने बताया 470 UF 470 UF 35 वोल्ट 35 वोल्ट, और जो ये हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अगर ये रेजिस्टेंस हमारा खराब होता तो हमारा टीवी ऑन ही नहीं होता, चलता ही नहीं। अगर ये हमारा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 8 वोल्ट पे दिया हुआ 3.3 के ओम्स का, अगर ये हमारा खराब होता तो टीवी हमारा चलता ही नहीं। अगर हमारा ये 8 वोल्ट 5 वोल्ट ट्रांजिस्टर खराब होता तो टीवी चलता ही नहीं। सो आपका कहना है कि टीवी हमारा चल भी रहा है, चलने के बाद में कुछ इस तरह से प्रॉब्लम होता है कि हम देखते हैं, चेक करते हैं जब इस पिन पे, तो हमें वोल्टेज पूरा नहीं मिलता है, 3 वोल्ट मिलता है। तो इस सिचुएशन में दोस्तों एक और रीजन हो सकता है, जो आपका ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1 ओम्स का, ये रेजिस्टेंस का पिन सूख गया हो, तो आप जो है इसको सोल्डिंग करें, रिसोल्ड कर दें। और जो आपका ये 207 नंबर का रेक्टिफायर लगा हुआ है, इस रेक्टिफायर का जो दोनों पिन है, कभी कभी ये भी देखा गया है, हमने प्रैक्टिकली देखा है दोस्तों कि ये कभी कभी छोड़ देता है प्रिंट, तो इसको भी आप जो है अच्छी तरह से सोल्डिंग करें। पहले आप सोल्डिंग कंप्लीट करें, उसके बाद जो है ये वर्टिकल एसी का ये पिन भी जो है कभी कभी सूख जाता है, इसका भी सोल्डिंग आप कंप्लीट करें। अगर आप ये सब करने के बावजूद भी आप चलाते हैं 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा चलने के बाद टीवी बंद हो जा रहा है, तो इसका रीजन ये हो सकता है दोस्तों कि ये जो दोनों हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है ये फिल्टर नहीं कर रहा है अच्छी तरह से। जबकि आपका कहना है कि हमारा 110 वोल्ट भी सप्लाई ठीक है और सारा कुछ हमारा चलता है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमारा वर्टिकल एसी जो है फॉल्ट कर रहा है और इस पे वोल्टेज की कमी आ रही है, तो इस सिचुएशन में आपको यही देखना है। और अदरवाइज आप अगर आपको जो है कोई सेक्शन का इस तरह से फॉल्ट होता है तो उसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ यही देखना होता है कि कैपेसिटर वगैरह हमारा कहीं खराब तो नहीं हो गया। जो हमारा देखिए ये पहला दूसरा तीसरा जो गया हुआ है, तीसरा भी हमारा चला गया है 8 वोल्ट 5 वोल्ट जो हमारा सप्लाई बनता है इस ट्रांजिस्टर पे, ये आपको मैं दिखाऊं कि ये यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से हमारा एक यहाँ पे जो है आया हुआ है, ये 8 वोल्ट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन पे आया हुआ है। यहाँ हमें अगर ये 12 वोल्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा तो ये 8 वोल्ट ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा, तो भी आपका इस तरह से कभी कभी टीवी बंद हो जाएगा। तो ये कुछ कुछ लूज कॉन्टेक्ट जो होता है ये सबसे भारी मुसीबत होता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक दो वीडियो पहले जो है वर्टिकल एसी के वर्टिकल फॉल्ट के बारे में बताया था, जिसमें कि हमें सभी स्पेयर पार्ट्स ठीक था, लेकिन शर्त क्या था, जो उसमें एक प्रॉब्लम था, जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल सप्लाई जाता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सप्लाई जा रहा है, तो ये और ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया और ये दोनों हमारा वर्टिकल सप्लाई हो गया। वर्टिकल सप्लाई का जो कनेक्टर थिम्बल लगा हुआ था उसमें लूज पॉइंट था, जिसके वजह से हमें काफी उसमें परेशानी हुई, और उसके बाद हमने उस वीडियो को बनाया और आप लोगों के बीच दिया भी था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। जो इस प्रॉब्लम में हमारे दोस्त ने पूछा है सवाल, इसका यही उत्तर हो सकता है, और इसमें और तीसरा कोई मकसद नहीं हो सकता है। जो ट्रांसफार्मर से आउट कर रहा है सप्लाई, अगर हमारा 3 सप्लाई ओके है, साउंड का, सिस्टम एसी का और 110 वोल्ट का, तो
वर्टिकल एसी का अगर सप्लाई ड्रॉप कर रहा है तो वर्टिकल एसी का ही जो हमारा ड्राइंग है हमें उसी में देखना है, जो हमारा यहाँ से रेक्टिफायर गया है इस कैपेसिटर पे, ये 1 ओम रेजिस्टेंस पे, और उसके बाद में हमारा ये कैपेसिटर पे, और उसके बाद जो हमारा एक यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेक्टिफायर लगा हुआ है इस रेक्टिफायर पे। और बाकी मेरे हिसाब से इसमें और तीसरा फॉल्ट नहीं हो सकता है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट करें, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं आप सभी दोस्तों से नए सॉल्यूशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।